चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभूति परमानंद का अनुभव कर धन्य कर जीवन। ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरे आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा संगीत आपने ज्योति बिंदु को याद कर उस परमात्मा को याद कराया है। और आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूँगा कि जो मंच पर उपस्थित हैं उनका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि सरला जाजू जी अगर है तो वो भी मंच पर आ जाएं। स्वागत है उनका भी बहुत दिल से। और पन्ना मोहमाया जी भी अगर आप हैं तो प्लीज़ स्टेज पर आ जाइए। अस्मिता जी आप भी है तो प्लीज़ स्टेज पर आ जाइए। स्वागत है आप सभी का। और इस क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। स्वागत। अब नृत्य से स्वागत करने के लिए हमारे बीच नन्ही कलाकार अनुष्का जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आप हमारे बीच में नृत्य के द्वारा स्वागत करेंगे आए हुए मेहमानों का। करते हैं दिल से स्वागत आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी अनुष्का का, उसने इतना सुंदर भारतीय संस्कृति का नृत्य हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया। आज की इस सभा में पधारे आप सभी महान अनुभूतियाँ, अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ विशेष कर्तव्य करते हुए सदैव अपने पथ पर अग्रसर रहे हैं। तो आज ब्रह्मा कुमारीज के इस अवार्ड फंक्शन में आप सबका स्वागत भी कुछ विशेष प्रकार से होगा। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज पधारे हुए सभी अवार्डीज का तिलक, बिंदी,
और चुनरी के द्वारा स्वागत करें। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, साथ ही साथ नारी शक्ति को हमारे शास्त्रों में, हमारी सभ्यता में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारतीय सभ्यता में नारी को देवी का स्थान दिया गया है और हमारे शास्त्रों में बहुत सारे श्लोकों के द्वारा उनकी श्रेष्ठता को दर्शाया गया है। वैसे ही आज आप सबके पधारने के इस सुंदर मौके पर मैं अपने मन के भाव एक श्लोक के द्वारा आप सबके सम्मुख रखना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे हर जीवंत प्राण में जीवन फूंक देने वाली आप शक्तियों का मैं आज की इस सुंदर सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा विधान है, नारी ही तो समग्र सृष्टि का आगाज है। नारी आप ही इस समग्र सृष्टि का आगाज हो। सभी अवॉर्डीज प्लीज अपनी सीट पर ही बैठिए, आपके स्वागत के लिए बहनें वहीं पर आएंगी। प्लीज आप अपनी सीट पर ही बैठिए, आप अपने स्थान पर ही रहिएगा। सभी बहनें वहीं पर आपके स्वागत के लिए उपस्थित होंगी। सत्यता का अंधकार बढ़ा है, जब जब सृष्टि पर पापाचार और अत्याचार से ये संसार विचलित हुआ है, जब जब समाज में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी है,
तब तब ईश्वर ने नारी शक्ति को संपूर्ण समाज के सामने, संपूर्ण विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया है। ऐसे जीवन को भी जीवंत कर देने वाली लक्ष्मी बन सर्व को धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली दुर्गा बन इस संसार से दुर्गुणों को मिटाने वाली महिषासुर वंदनी हंस वाहिनी विद्या दायित्री स्वरूपा माँ सरस्वती ये सब स्वरूप आप ही के हैं जो आज मंदिरों में गायन और पूजन के योग्य हैं। आप ही इस समाज से बुराई को हटाकर अच्छाई स्थापित करने के निमित्त हैं और आज इस सभा में पधारी आप सभी नारी शक्ति जो समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। रंग बिरंगी फुलवारी है डाली डाली हरियाली करूंगी कि प्लीज आप अपने श्रृंगार को सजा कर रखिए। देवियों का स्वरूप मंदिरों में सजा सजाया बहुत सुंदर अनुभव होता है। इस दरबार को भी आप वही अनुभव करिए, इस ईश्वरीय दरबार में वही अनुभूति आज हम आपको कराना चाहते हैं। आप इस समाज की अग्रणी वो महिलाएं हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का जिम्मेवारी का ताज पहना है और आज आपको ये मोतियों का ताज पहनाया गया है जो आपकी जिम्मेवारी का प्रतीक है। मस्तक पर लगाया गया तिलक हमें आत्मस्मृति दिलाता है और हमें हमारी अद्वितीय शक्ति की अनुभूति कराता है, क्योंकि नारी को परमात्मा का दूसरा रूप कहा गया है। नारी शक्ति ही है जो चाहे तो अपने भरोसे इस संसार का उद्धार कर दे, परंतु जब जब उसके मान पर आँच आई है तो उस नारी के अंदर ही वो शक्ति भी है कि वो इस संपूर्ण समाज का परिवर्तन कर देती है और इस संसार को एक नई दिशा की ओर लेकर जाती है।
आज के इस अवार्ड फंक्शन की थीम है नारी समाज की वास्तविक वास्तुकार है। मुझे एक बहुत सुंदर किस्सा याद आता है, या कहें कि जब एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है, कोई बर्तन बनाता है, तो वो कच्ची मिट्टी से एक नई अपनी तराशकारी को प्रस्तुत करता है। तो वैसे ही आप वो शिल्पकार हैं जो एक समाज को, जो कच्ची मिट्टी के समान है, हम अपने प्रयासों से जो स्वरूप देना चाहें दे सकते हैं। नारी के लिए कहा गया है कि वो परिवार की धुर्री होती है, पूरा परिवार उस नारी के चारों ओर घूमता है। नारी सशक्तिकरण का संकल्प इसी संकल्प को आत्मसात करता है कि जैसे ही नारी का सशक्तिकरण होता है, जब नारी अपनी शक्ति को पहचान जाती है, तो संपूर्ण समाज श्रेष्ठ समाज और मर्यादित समाज के रूप में एक नई पहचान बनाता है। अभी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी एक बहुत सुंदर नारी गौरव नृत्य आप सबके सम्मुख पेश करने के लिए आ रहे हैं कुमारी श्वातिका एंड ग्रुप। कुमारी श्वातिका एंड ग्रुप के लिए जोरदार तालियां, स्वागत है उनका। बहुत ही सुंदर नृत्य आप सभी के बीच में नारी गौरव पर कर रहे हैं। रहा धरती आकाश जन जन को है ये विश्वास, गूंज रहा धरती आकाश जन जन को है ये विश्वास, जग परिवर्तन लाएंगी नूतन विश्व बनाएंगी, जग परिवर्तन लाएंगी नूतन विश्व बनाएंगी। श्वेत वस्त्र धारणीय ब्रह्मा कुमारियां है शिव की शक्तियाँ साक्षात देवियाँ, श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियाँ, श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियाँ। जागती है शिव की शक्ति, जागती है शिव की शक्ति, नारी लाएगी परिवर्तन परिवर्तन,
Thank you.
और जोड़ते हुए मैं आज की इस संध्या में अपने स्वागत वक्तव्य से चार चांद लगाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय राज्योगिनी ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी को। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर हैं और पिछले 27 वर्षों से आपने अपना संपूर्ण जीवन इस आध्यात्मिक पद पर समर्पित किया हुआ है। शिव के तीनों ही रूप सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्यम अर्थात प्रेम, शिवम अर्थात पालना एवं सुंदरम अर्थात शिक्षाएं, तीनों को ही स्वयं में समाहित कर एक अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय आपने दिया है। अब वर्तमान समय साधना भवन बलसाना सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका है और अपने साथ साथ अनेक माताओं बहनों के जीवन को आकार प्रदान करने वाली एक अद्भुत शिल्पकार है। रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी से कि वो आज पधारे हुए सभी अतिथिगणों के साथ साथ सभी अवॉर्डीज का और सभी डेलीगेट्स का स्वागत करें। आदरणीय सविता दीदी जी, ओम शांति। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित मेरी आदरणीय बहनें, मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए लेकिन आपका स्वागत करने से पहले कुछ थोड़े से भाव अपने रखना चाहती हूँ जो आपको देख करके मेरे मन में आ रहे हैं। एक बार किसी विद्वान के साथ मेरी चर्चा हो रही थी और मैंने उनसे सवाल पूछा और वो सवाल थोड़ा नेगेटिव था कि बहनें अपने हक के लिए लड़ाई या सामना क्यों नहीं करती हैं, क्यों सहन करती हैं। और बहनों का कुछ नेगेटिव ही मैं उनको सुना रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही और वो बात जो उन्होंने कही थी आज मुझे प्रैक्टिकल दृश्य देखने में आ रहा है। उन्होंने मेरे से कहा कि आप केवल समाज में बकरियों को ही देखते हो, आपने शेरनियाँ नहीं देखी, आप शेरनियों को देखो। तो आज मैं तो ये महसूस कर रही हूँ कि मेरे सम्मुख एक एक शिव शक्तियाँ उपस्थित हैं, शेरनियाँ उपस्थित हैं, लेकिन आप सबको शेरनियाँ बनाने में, शिव शक्तियाँ बनाने में हाथ कहीं न कहीं सूक्ष्म में रहा होगा, क्योंकि शक्तियों के कोई माता पिता या पति वो नहीं दिखाए जाते। दुर्गा अम्बा लक्ष्मी उनको कहा जाता शिव शक्ति, शिव से शक्तियाँ लेने वाली। तो हम सबसे पहले हम सब मिलकर के उस पिता परमात्मा शिव का स्वागत करना चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि आप सब अपने पिता परमात्मा शिव का आह्वान करें, हम सभी ये महसूस करें कि परमात्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम ऐसे पिता परमात्मा का दिल से स्वागत करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए क्योंकि मेरे थोड़े समय की मर्यादा है और बहनों को दूसरी जगह जाना है तो मैं सभी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जैसे दर्शना बहन, अस्मिता बहन, जो भी बहनें मंच पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। सुनीता बहन जी, सरला बहन जी, दीना बहन जी और साथ साथ इस सब कार्यक्रम के पीछे एक गुप्त मेहनत रही है संगीता बहन जी की। संगीता बहन अब जहाँ भी एक बार हाथ हिलाएं, संगीता बहन एक बार हाथ हिलाएं, तो संगीता बहन जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है इसके पीछे, जो पर्दे के पीछे हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और सभा में एक एक बहन और जो साथ में भाई बहनें आए हैं वो हर एक यही समझे कि आपका नाम सहित स्टेज से स्वागत हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है,
स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता दीदी जी का। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही श्रेष्ठ बात कही है कि हमें अपने जीवन में शेरनियों को देखना है, और हम तो एक साथ इतनी सारी शेरनियों को देख रहे हैं, तो ये दृश्य जरूर हमारी आंखों में बहुत ही समय तक समाहित रहेगा। एक मिनट सॉरी बीच में बोल रही हूँ, खाली संगीता बहन अकेले की मेहनत नहीं है, हमारे पूरी टीम है, सविता बहन, उनके साथ सारी सिस्टर्स, रीना बहन जी इन, और साथ में सुनीता बहन और ललित भाई, जो मेरे भाई भी हैं वो आए नहीं हैं, पर पूरी टीम लगी है यहाँ, जितनी भी समर्पित बहनें हैं उनके साथ साथ सबकी मेहनत है, सबने बहुत अच्छी मेहनत की है, और साथ में हमारे विनोद भाई जी भी हैं जिन्होंने भी बहुत मेहनत की है इसमें अवॉर्डीज के नाम लेने देने में। थैंक यू। संगीता बहन का निर्माण चितता का गुण हमें यहाँ प्रदर्शित होता है। समय की शॉर्टेज को देखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के की नोट के लिए मैं हार्टली इनवाइट करती हूँ रेस्पेक्टेड राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी जी को। आप वर्तमान समय में ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर शांतिवन आबू रोड में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं। आप स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशनल फील्ड में 100+ अवार्ड्स जीत चुकी हैं। आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं ये चंद लाइनें कहना चाहूँगी। लगते सामान्य पर खास हैं आप, लगते सामान्य पर खास हैं आप, जीता जागता उल्लास हैं आप, कोई अंधकार न रोक सके जिसे, कोई अंधकार न रोक सके जिसे, वही ज्ञान सूर्य का पवित्र प्रकाश है आप, वही ज्ञान सूर्य शिव का पवित्र प्रकाश है आप। रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुनीता दीदी जी। ओम शांति। सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति। कितनी सुंदर ये सभा लग रही है आज, सभी होवनार देवियों की, शिव शक्तियों की, और संगीता दीदी का इतना सुंदर विषय कि नारी समाज की वास्तविक वास्तुकार। इस पर एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक वास्तुकार ने एक कंपनी में काम कर रहे थे, उसके एम्प्लॉयर को कहा कि अब बस हो गया, अब मैंने जितना भी कमाया ना बस उतना है, उसी से ही मेरा जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ, अब मुझे वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दीजिए। तो एम्प्लॉयर को बड़ा शौक हुआ कि मेरा इतना अच्छा वास्तुकार जो इतनी अच्छी क्वालिटी कार्य देता काम करता है और वो चला जा रहा है, तो उसने कहा अच्छा ऐसे करो, एक लास्ट काम मेरे लिए कर दो, एक लास्ट घर मेरे लिए बना के दे दो। तो उसने कहा ठीक है, पर उसका मन जरा भी नहीं था, और उस घर बनाने में उसने बहुत लो क्वालिटी मटीरियल का प्रयोग किया, जरा भी उसमें क्वालिटी वर्क नहीं था। और जब घर बन गया और उसने अपने एम्प्लॉयर को दिया, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि देखिए आपके इतने वर्षों की डेडिकेशन, इतने वर्षों के जो क्वालिटी काम आपने किया है, उसके गिफ्ट स्वरूप में ये घर आपको ही मुबारक है। तो आप सोचिए कि वो कितना शर्मिंदा हो गया होगा कि खास अगर काश मुझे ये पता चलता कि ये घर मेरे लिए है तो मैं कितना ना इसको अलग ढंग से करता। और ऐसे ही हमारी भी हालत है कि काश हम भी ये समझ लिया होते कि जो भी संकल्प, बोल, कर्म, हर समय हम जो कर रहे हैं, हर रोज़ जो हम कर रहे हैं, ये रोज़ ही हमारे जीवन की एक ईंट हम लगा रहे हैं, एक इमारत हम बना रहे हैं। और सोचिए कि हम कैसी इमारत अपने लिए बनाना चाहते हैं, कैसा हम समाज अपने लिए बनाना चाहते हैं,
कैसा विश्व हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि नारी का इतिहास विश्व का इतिहास है, और इसलिए नारी सिर्फ शरीर के नाते नारी नहीं, लेकिन उनके नारीत्व गुण के कारण नारी मशहूर है, नारी का महत्व है। और ये नारीत्व गुण सिर्फ नारी इस फीमेल बॉडी में ही नहीं, लेकिन आत्मा में है। जो आत्मा चाहे वो नर बॉडी में हो, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, लेकिन हर आत्मा के अंदर वो नारीत्व गुण है, नारीत्व शक्ति है। इसके लिए हमें अपने इस नारीत्व शक्ति का सम्मान करना है, केयरिंग, प्रेम। और उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि एक मिनट के लिए हम सभी खड़े हो जाएं, जो मंचासीन हमारे आदरणीय अतिथिगण हैं और आप सभी हमारे शिव शक्तियाँ अवॉर्डीज हैं। एक खड़े हो करके हम सिर्फ आज एक मंत्र ये पक्का करेंगे, और वो है लुक इन, अंदर झांक करके देखें अपने नारित्व गुण को, आंखें भले खुली रहे, और अपने यहाँ मस्तक के बीच में अपने आप को नारित्व के गुण को निहारें कि मैं शिव शक्ति हूँ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने दोनों परमात्मा, शिव परमात्मा का आभार व्यक्त करें कि हे परमात्मा, आप जो भी हमारे अंदर कलाएं हैं, जो भी विशेषताएं हैं, वो आप ही की देन है, और आज हम ये सब कुछ आपको समर्पण करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि आपकी इन शक्तियों को, आपकी इन विशेषताओं को हम समाज को, श्रेष्ठ समाज, देवी समाज, जो आपका सपना है, जो आपका कार्य है, उसमें सहयोगी बन उसको जरूर पूर्ण करेंगे। अब हम फिर से अपने हाथों को इस प्रकार से कर दें, एक देवी के रूप में, क्योंकि जब हम लुक आउट करेंगे तो हमें जो है, जब हम औरों के संपर्क में आएंगे तो हमें सिर्फ देना ही देना है, एक देवी के समान। किसी से भी हमें कुछ भी लेना नहीं है, और हमें क्या देना है, हमें जॉयफुल रहना है, हमें यूज़फुल रहना है, और देने के लिए हमें क्या देना है, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, प्रेम की, शांति की, आनंद की, वही हमें औरों तक पहुंचाना है। वो नारीत्व गुण, नारीत्व शक्तियों का प्रकाश हमें देते रहना है, सबको शुभ भावनाएँ, सबको दुआएँ देते रहना है। फिर सामने चाहे कोई कैसा भी हो, कोई हमें दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, लेकिन मुझे देना है, मुझे अपने परमात्मा की शिव शक्ति बन सबको देते रहना है, देते रहना है। तो लुक इन, हम अपने पीसफुल स्वरूप में रहें, लुक अप, परमात्मा के प्रति ग्रेटफुल रहें, और लुक आउट, हम जॉयफुल और यूजफुल रहें। इस प्रकार से थैंक यू। तो इस प्रकार से हम समाज के वास्तविक वास्तुकार बन करके इस पूरे समाज ही नहीं, पूरे विश्व को एक दैवी साम्राज्य स्थापना करने में स्वयं भगवान की मददगार करें। आप सोचिए, हम भगवान से मदद मांगते आ रहे हैं, यहाँ स्वयं भगवान आपको कह रहे हैं कि हे मेरी शिव शक्तियाँ, आकर के मेरी मदद करो इस संसार को स्वर्ग बनाने में। तो इसके लिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि आज प्रभु के दरबार में, प्रभु के द्वारा ग्लोबल डिवाइन वुमेन आइकन अवार्ड आप सभी को प्राप्त होने वाला है, जो सदा ये स्मृति दिलाएगा कि हमारी ओरिजिनलिटी डिविनिटी है, और उसी से हमें एक दैवी स्वराज बनाना है। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुनीता दीदी जी का, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज के द्वारा जो हम सुबह उठते ही आज से ज़रूर ज़रूर करेंगे और अपने अंदर वो पॉजिटिविटी का संचार करेंगे। थैंक यू दीदी जी, आपने इतनी सुंदर एक्सरसाइज हमें बताई जो हमें खुद से भी कनेक्ट करती है, परमात्मा से भी कनेक्ट करती है और साथ ही साथ संपूर्ण विश्व से भी कनेक्ट करती है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सभा में हम सबके बीच में एक स्पेशल गेस्ट माननीय श्रीमती सरला जाजू जी उपस्थित हैं। आप एक सफल गृहिणी, प्रेरणादायी मदर के साथ साथ संपूर्ण नारीत्व की पहचान हैं। बिखरते परिवारों के इस दौर में आपने चार चार पीढ़ियों को संयुक्त कर इस समाज के सामने एक नई मिसाल कायम की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने जीवन के अनुभव कुछ शब्दों में हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय सरला जाजू जी। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी वुमेंस डे। बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना बड़ा सम्मान दिया है मेरे को। और ममता की मूर्त है नारी, परिवार की नींव है नारी, शिव की शक्ति शक्ति है नारी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, सुनीता, ललित, इतना बड़ा सम्मान दिया है मेरे को। बहुत बहुत ओम शांति। जोरदार तालियों से हम उनके वक्तव्य को सराहेंगे और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि तालियां बजती रहेंगी तो ये खुशनुमा सभा और भी खुशनुमा हो जाएगी। आप ही का फंक्शन है, आप ही का अवार्ड है, आप ही की सभा है, आप ही का मंच है, क्योंकि परमात्मा का घर अर्थात हमारे पिता का घर, तो पिता के घर की रौनक बच्चे हैं और बच्चों के द्वारा गड़गड़ाती करती हुई तालियाँ हैं। तो एक बार हो जाए तालियां। थैंक यू सो मच। आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल एक्स मेयर श्रीमती अश्मिता बहन रॉय जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप बीजेपी कॉरपोरेटर हैं, आप श्री संस्कृति समिति के चेयरपर्सन भी हैं, आप अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान हैं, आप सदैव अपने जीवन में बुलंदियों को छूने के अटूट इरादे से आगे बढ़ते चले आए हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व के लिए ये चार लाइनें कहना चाहूँगी कि जीवन लक्ष्य निर्धारित कर, जीवन लक्ष्य निर्धारित कर, देखो फिर विस्तृत गगन, उन बुलंदियों पर पहुँचना है तो फिर कभी नहीं होना तुम किसी भी कार्य में अपने मन को विमगन, फिर नहीं करना तुम अपने मन को किसी भी कार्य में विमगन। आदरणीय अस्मिता बहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने जीवन के अनुभवों को हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निमित्ते जे आजनो कार्यक्रम राख्यो, जे कार्यक्रम में उपस्थित अने हमेशने माटे मने मार्गदर्शन करता एवा अमारा ब्रह्मा कुमारी बेन सुनीता दीदी, अमारा सौना वडील अने सांसद तरीके जेमने त्रीजी टर्म छे, सतत लोकोनी वच्चे अने बहनोनी वच्चे जई अने लोकोना प्रश्नों अने सांभळी अने पोते જ્યારે પાર્લામેન્ટની બોર્ડની અંદર પણ ત્યાં રજૂ કરી અને જ ઘણા બધા એવા નિવારણ લાવ્યા છે અને લોકોની સેવા કરતા બેનશ્રી દર્શનાબેન, મંચ પરના ઉપસ્થિત સર્વે મારી વાલી મહાનુભાવ બહેનો, સવિતા દીદી, હા સવિતા દીદી, અને અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે એવોર્ડિંગ બહેનો, અને આ કાર્યક્રમને સક્સેસ કરવા માટે જે ટીમે કામ કરી છે એવા સંગીતા દીદી અને એમની ટીમ,
ब्रह्मा कुमारी आश्रम नी अंदर आवो एटले एक मने शांति नो अनुभव होय, बीजो एक अंदर थी कोई कार्य करो एने खुशी नो ने एक आनंद नो अनुभव होय, अने हमेशा ने माटे एक बीजा प्रत्ये सेवा करवी प्यार करो एवी लागणी हमेशा ब्रह्मा कुमारी संस्थाए मने शीखवी छे। ब्रह्मा कुमारी संस्थामांथी मने घणुं बधुं शीखवा मळ्युं छे के मारुं जीवन केवुं होवुं जोईए, बीजा माटे हमेशने माटे सेवा करवी, काम करूँ, बीजाने मददरूप थवुं, क्यारे पण आपणुं अस्तित्व नथी पण आपणुं जीवन ज बीजा माटे छे, एवो ज्यारे मने संदेश अने बोध मळे ए मने ब्रह्मा कुमारी आश्रममांथी मळे। एक खास मने शरूआतमां ज मने ब्रह्मा कुमारीमांथी एक अनुभव थयेलो के हमेशने माटे માણસને એક સંકલ્પ આવે છે, એ વિચાર આવે છે, એ વિચાર કેવો છે, સારો યા ખરાબ, દેવી સ્વરૂપે એટલે દેવ રીતે કામ કરનારો કોઈ આસુરી વૃત્તિનો વિચાર એટલે સારો ખરાબ બંને વિચાર આવે, એ વિચાર મારા જીવનની અંદર આવે અને મારી બુદ્ધિરૂપી અરેણથી હું વિચારું આ કામ મારે કરવું જોઈએ યા ન કરવું જોઈએ, મારે આ રીતે આગળ વધવું જોઈએ ના વધવું જોઈએ, અને હું જ્યારે સારું કર્મ વિચાર હોય એને વધુ અને એ મારું કર્મ બની જતું હોય છે અને કર્મ મારી જિંદગી બનતી હોય છે, ખરાબ વિચાર હોય ને આવે ને હું અપનાવી લેતી હોઉં તો મારું જીવન છે એ તરફ જતું, તો હંમેશને માટે જ્યારે વિચાર આવે ત્યારે મનથી વિચાર અને વાણીથી કર્મથી હંમેશા આપણે સાવધાન રહીએ, કદાચ આપણાથી દેવ દર્શન થયા ન થયા, પૂજા થઈ નહીં તે કોઈ વાંધો નહીં, પણ મારા મનની અંદર આવતા વિચારને માટે હંમેશા હું એલર્ટ રહું કે હું કર્મ કેવું કરું છું, જેવું હું કર્મ કરું છું એવું જ મારું જીવન હોય છે અને એ રીતે પ્રભુ તરફ ધીરે ધીરે એક પછી એક કર્મ થ્રુ એક પછી એક કાર્ય થ્રુ આપણે પ્રભુ તરફ આગળ જતા હોય છે, તો આવો સરસ અનુભવ મને અહીંયા રહ્યો છે, મારી જિંદગી હંમેશને માટે હું કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર કામ કરતી હોઉં ત્યારે ભગવાનને જ આગળ રાખી અને કામ કરું અને ઈશ્વર મારી સાથે છે, મારે કોઈ ડરવાની જરૂર નથી, હું એ પરમાત્માની એક આત્મારૂપી એક શક્તિ છું, ભગવાન મને શક્તિ પૂરી રહ્યા છે એવા ભાવ સાથે આગળ વધું છું ને હંમેશને માટે મારા જીવનને વધારું, એવી રીતે આપ સર્વે પણ આ સંસ્થાની અંદર જોડાય એનો સપ્તાહ કોર્સ કરી અને ધીરે ધીરે એને મોરલી દરરોજ ને દરરોજ એક પ્રશ્ન સાથે અને એક આપણે સંદેશ સાથે બાબાની મોરલી સાંભળીએ તો આપણે ઘણું બધું નોલેજ આપણા જીવનમાં જીવવાનો એક રસ્તો મળી જતો હોય છે અને એ તરફ આપણે જીવી અને આપણે પણ એક દેવ તરફ જવાનું આગળ આપણું જીવન બનાવીએ એવી આશા સાથે સુનિતા દીદીએ બધાએ મને જે અહીંયા બોલાવી માન સન્માન સાથે મને બોલવાની તક આપી એ સર્વની ઋણી છું। જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત, ઓમ શાંતિ। बहुत बहुत धन्यवाद अश्मिता सिरोही जी का, आपने इतने सुंदर भाव अपने दिल के हम सब के बीच में व्यक्त किए। अभी मैं हमारे चीफ गेस्ट जो आज हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनको इनवाइट करते हुए कहना चाहूँगी कि कर्म किए ऐसे कि पहचान बन गए, कर्म किए ऐसे कि पहचान बन गए, कदम चले ऐसे कि निशान बन गए, ये ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं। जी हाँ, ये ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर आप जिए ऐसे कि मिसाल बन गए, आप दिए ऐसे कि मिसाल बन गए। हम सब के बीच में उपस्थित हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती दर्शना बेन जरदोश जी, मेंबर ऑफ रीजनल डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमेटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपका व्यक्तित्व और प्रयास किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, आपके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के इस सभा के संबंध में अपने सुविचार हम सब के बीच में रखें। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी डॉक्टर सुनीता जी, इस सेंटर की हेड सविता जी, कार्यक्रम के आयोजक संगीता जी, गेस्ट में सरला जाजू जी, पूर्व मेयर अस्मिता जी,
और सभी एवोडी बहनें, उसके साथ आए हुए सभी उनके परिवारजन, शुभेच्छक और ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए सब भाई बहन और मीडिया के जो डायरेक्ट आबू से रिलेटेड है, सुनीता जी का फ़ोन आया था उस टाइम पे, तो लाइव चल रहा है, मैंने देख भी लिया। हाँ, रेडियो मधुबन। आज मुझे लग रहा है स्टेज पर कुंभ राशि ज़्यादा चल रही है, 4S है बैठे हुए यहाँ पे, तो मैं बार बार उनके नाम सोच रही थी। सुनीता जी से तो फ़ोन पे बात होती थी मेरी, तो उनको तो मैं जानती थी। यहाँ आने के बाद सविता जी की पहचान हुई, गेस्ट के तौर पर बाजू में जाजू जी ने मुझे परिचय करवाया, और आयोजन के लिए सबने संगीता जी का धन्यवाद करा। मैं समझती हूँ कि आज एवॉर्डी में भी होगी, परमात्मा भी शिव है। जब उन्होंने बताया कि आज जो केक कटिंग सेरेमनी है, हम लोगों ने जो एवॉर्डी है उनमें से ढूंढ निकाला कि जो 8 मार्च को जिसकी बर्थडे है, तो उसी के हिसाब से उनकी एडवांस, उनका नाम भी सीता है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। मैं बार बार उनको ये पूछ रही थी मैं ये निकाल दूं, तो उन्होंने बोला पहन के रखिए, क्योंकि ये भार हम सबको उन्होंने दिया हुआ है, उनके संस्कार दिए हुए हैं। तो ब्रह्म कुमारी जो अपने संस्कारी काम कर रहे हैं समाज के अंदर उपयोगी, तो हमारे लिए भी जब उनके द्वारा ऑनर किया गया है तो हमें भी एक जिम्मेदारी दी गई है। और आज सबने अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ हासिल किया हुआ है, जिनको उन लोगों ने ढूंढ निकाला है। सही सही समय पर अगर हमें एप्रिसिएशन मिल जाए, कोई हमारी तारीफ़ कर ले, कोई काम की तारीफ़ कर ले, कोई अवॉर्ड मिल जाए, तो सबको अच्छा भी लगता है और उसका काम करने का उत्साह भी दुगना हो जाता है। ये सब हम मानव सहज, हमारा सबका नेचर है। लेकिन पर्सनली मुझे बचपन से, आज से नहीं, 8 मार्च मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि मैं हमेशा लड़कों की तरह ही बड़ी हुई, तो मैं समझ रही थी कि लड़कों का नहीं 8 मार्च की तरह कोई सेलिब्रेशन होता तो मेरा क्यों हो जाए। लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि ये सिस्टम बनाई हुई है हम लोगों ने, कि जो महिलाएं बिचारी है, निर्बल है, उसी के बारे में बात करने की नहीं है। जब सविता जी ने शुरुआत करी बकरी और सिंह से, तब मुझे ऐसा ही लगा कि हम लोगों की जो पिक्चर पोर्ट्रेट की है इसमें बिचारापन दिखता है, लेकिन ये मुझे भी पसंद नहीं है और आप लोगों को भी पसंद नहीं है। और समाज जीवन में काफ़ी बदलाव भी हो चुका है, हम लोगों ने अपने आप कुछ न कुछ हासिल किया है। हाँ, सपोर्ट मिला है, इसमें फैमिली के सभी लोगों का सपोर्ट रहता है, और एवरी सक्सेसफुल वुमेन के लिए तो ये कहा ही जाता है कि घर से सपोर्ट रहता है। कभी कोई जेंट्स ये नहीं बोलता, कोई पुरुष वर्ग ये नहीं बोलता है कि मेरी सफलता के पीछे मेरे घर से, मेरी माँ का या मेरी पत्नी या मेरी बहन का हाथ है। तो ये दोनों समाज के एक ही जैसे पहलू में, और हम आबादी के आधे हैं, और आधे होने के बावजूद भी आज भी ऐसी परिस्थिति है कि बार बार यही बातें होती रहती है कि हम अन्याय क्यों सहन करते हैं, और बार बार ये बात का जवाब हम अपने अपने तरीके से ढूंढते रहते हैं। लेकिन मैं जब से राजनीति में आई, जब से लोगों के बीच में काम करने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम करना बहनों के साथ हुआ, और जहाँ से मुझे शिक्षा मिली नरेंद्र भाई से, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी 12-15 साल पहले ये बातें जो साइकिल थी वो शुरुआत कर ली थी, कि महिला अन्याय इसलिए सहन करती है क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर निर्भर है, अपने आप वो खड़ी नहीं होती। अगर वो कमाने लग जाए या कुछ बचत करने लग जाए आर्थिक रूप से, वो अपने आप को स्ट्रेंथन मालूम, जो उनके पास अगर हो जाए, तो वो किसी का अन्याय नहीं सहन करेगी। इसके लिए बाहर कमाने की ज़रूरत नहीं है। और छोटा सा एग्जाम्पल वो बार बार देते रहते हैं कि घर में परिवार के बीच में कुछ तय होता है कि कौन सा टीवी या वॉशिंग मशीन लेना चाहिए,
वॉशिंग मशीन सबसे ज़्यादा यूज़ महिला करती है, लेकिन वॉशिंग मशीन कौन से ब्रांड का पसंद किया जाए, फ्रंट डोल वाला या ओपन से ओपन होने वाला, वो हमेशा घर के पुरुष वर्ग तय करते हैं। वो कीमत के हिसाब से करते हैं, कंपनी के हिसाब से करते हैं, जो भी हिसाब से करते हैं, लेकिन कोई महिला को नहीं पूछता कि आपको कौन सा वॉशिंग मशीन चाहिए। लेकिन अगर आपका इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपने कुछ साड़ी या कपबोर्ड के अंदर कुछ छुपा के बचा के रखा है और आपने बोल दिया कि नहीं मेरा भी अंदर 5,000 रुपया मैं अपना कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो आपकी ब्रांड जरूर पसंद होके घर में आएगी। तो ये बातें हम लोगों ने पॉलिटिकली बचपन से सुनी है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे सबसे बड़ा। और आज ही मुझे उसका सबसे बड़ा अनुभव हुआ, जो पहला जो मैं बार बार सुनती रहती थी, करती रहती थी। और गुजरात राज्य में जब नरेंद्र भाई ने किया कि अगर माँ और पिता और माता दोनों एक साथ में जिम्मेदार होते हैं बच्चे के लिए, लेकिन स्कूल में जब दाखिला होता है तब हमेशा पीछे पिता का नाम लिखा जाता है, तो उन्होंने ये हमें राइट दिया है कि अगर आप अपने बाप का नाम नहीं लेना चाहते और माँ का नाम लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और आज जब मैं यहाँ निकलने लगी तो 10 मिनट पहले मेरे पास में एक लड़की आई और उन्होंने बोला कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरी बेटी है और उसके पीछे मुझे मेरा नाम लिखवाना है। तो मेरा पीए जो मेरे साथ हमेशा रहता है उसने आर्ग्यूमेंट किया कि आपको लीगली सेपरेशन मिला है क्या, आपका लीगली कुछ है क्या डॉक्यूमेंट, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ इसमें दिक्कत आएगी तो हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसको आधार कार्ड के अंदर अपना नाम डालना था। मैंने कुछ नहीं सुना उसका, कुछ भी नहीं, और मैंने सीधा बोल दिया कि एक लड़की अपने यहाँ आई है जो 2 साल की बच्ची अपने साथ जिम्मेदारी लेके उसने डिवोर्स लिया है और वो चाहती है कि उसके पीछा उसका नाम हो जाए, तो कुछ भी दिक्कत हो जाए हमें उसको ये हक देना चाहिए जो गवर्नमेंट ने उसको दिया है। और मुझे ये आत्मसम्मान मिला कि अच्छा ये काम मेरे सिर पे आया कि ये बातें भी होती रहती है समाज जीवन में। काफ़ी कुछ हम लोग बातें करते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस होता है तभी उसकी उसकी सिंसियरिटी वैल्यू सब हमें पता चलती है कि वो कितना उसके लिए माहिर होगा। और वो लड़की का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है और अभी मैंने साइन करके आई। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी ऐसा ही हुआ कि अब तक हमें 33% तो मिला नहीं, हमें तो कभी कभी ऐसे स्टेज मिलते हैं कि जहां सभी महिला बैठी रहती है और सामने जेंट्स होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है ऊपर जेंट्स होता है होते हैं और पुरुष वर्ग होते हैं, यार एकल दोकल महिला होती है। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदलने लगा है, सबके बहुत सारे एग्जाम्पल है, सभी काम कर, कोई भी फील्ड अभी ऐसा अनचाहा नहीं रहा कि जिसमें महिला नहीं है। और हम लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसी बातें निकालते रहते हैं कि किसने जो पुरुष के समान काम किया और उसको हम किस तरह से अवॉर्ड दे, तो ये ही हम समाज जीवन का ये काम होने लगा है। पॉलिटिकली ज़्यादा बातें मैं जानती हूँ, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। ब्रह्म कुमारीज आबू में बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी एरिया में अच्छा काम कर रही है और सभी जगह पे उनके सेंटर्स है। जिस तरह से अस्मिता बेन ने बताया तो वो जहाँ से आई है वहाँ पे भी है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी है, सभी जगह पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति निभाई है। जहाँ मन की शांति मिले, शिव के प्रति अपना स्थान मिले, हम लोग कैसे अपना काम अच्छी तरीके करें, तो ये उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और आज शायद सुनीता जी ने बताया कि पहली बार ये नए भवन में ये पहला कार्यक्रम हो रहा है कि जिसमें महिलाओं को सम्माना जाता है। और बहुत अच्छी बातें भी हुई कि वास्तुकार करके, कि वास्तु कोई शिल्पी अगर कोई रचना करता है तो उसमें उसके लिए क्या रोल होता है, तो हमारे लिए, हम जो एक सर्जन करने वाली माँ है तो हमारा रोल क्या है, समाज के प्रति क्या है, हमारे परिवार के प्रति क्या है, और साथ में जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको हम किस तरीके से निभाते हैं। एक प्रश्न बार बार हमें जब इंटरव्यू होता है या कहीं पर भी कोई सक्सेस मिलती है तो कोई भी महिला को जो क्वेश्चन मुझे झेलना पड़ता है वो आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा।
पड़ता होगा, मैं समझती हूँ कि आप घर और आपका काम दोनों को कैसे बैलेंस करती है। तो जब जब ये करना सीख जाएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, ना तो अगर हम लोग एक ही काम पे फोकस करेंगे तो या तो घर में रहेंगे या तो बाहर रहेंगे। अगर दोनों को बैलेंस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ही हम कम काम कर पाएंगे। तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन में सबसे अच्छी पॉलिटिकल सिचुएशन अभी है, ये महिलाओं के लिए है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज़ इस बार चुनकर आई है पार्लियामेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा महिला मिनिस्टर ये टाइम पे बन रही है और अपना परफॉर्मेंस दे रही है। गुजरात एकमात्र स्टेट है कि जहाँ पे विमेन रिलेटेड कोई अलग से विभाग है, जो महिला अगर अपने आप घर पे रह के कुछ काम करना चाहती है, उसकी मार्केटिंग करना चाहती है, तो उनको प्लेटफॉर्म मिलती है मार्केटिंग के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो हम लोगों की नेचर है गुजरात में रहने वाले लोगों की बिजनेस करने की, तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ से हमें मिलती है। तो महिला सशक्तिकरण की बातें भी बहुत होती है और उसके साथ में काम भी बहुत हुए हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल हमारी लाइफ में जो भगवान ने हमें दिया है, भगवान शिव ने, वो हम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब जो हम करते हैं वही हम सामने दिखाते भी है। हमारा दो रूप नहीं है कि जो दिखाते हैं अलग है और करते अलग है। तो महिला के प्रति सबसे अच्छी बात यह है कि उनको जो काम दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा डेडिकेशन से पूरा करती है। हमें फाइनेंस मिनिस्टर भी लेडी मिली है ये बार, संरक्षण भी मिला था, क्योंकि पूरे देश का संरक्षण मंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई ने ये भरोसा किया था और निर्मला जी को बनाया था। तो हम लोगों के पास काफ़ी कुछ आइकॉन्स है, आप लोगों भी अपने अपने फील्ड में अपने आइकॉन को लेके चलती होगी, कोई 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 डांस से रिलेटेड होंगे, कोई ब्यूटी से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड होंगे, कोई कैफ़े से रिलेटेड होंगे, कोई सामाजिक प्रवृत्ति से रिलेटेड होंगे, तो किसी को ध्यान में रख के आप काम करती होगी, तो आप ज़रूर करिए। और ये जो ताज हमें पहनाया गया है, उन्होंने बहुत अच्छा ऑनर किया है हमें बुला के, और कई सारी संस्थाएं ऐसा काम करती है, ये संस्था छोटी है, बड़ी है, कैसी है, 8 तारीख को करती है, 6 को करती है, 7 को करती है, लेकिन एक माहौल बन गया है कि 8 मार्च को विमेंस डे के ऊपर आप लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और इसके लिए एक मेरी छोटी सी बात करके मैं मेरी बात पूरी करूँगी कि नरेंद्र भाई हमेशा जब स्टोरी करते थे तो बोलते थे कि अगर माँ रोटी भी बनाती है ना, तो रोटी बनाते बनाते भी वो कितनी फूलती है, पूरी फूलती है कि नहीं, ऊपर घी लगाती है और इसमें से जो भाप निकलती है, अगर वो पूरी फूल गई और उसमें से निकलती है, वो अपने आप को लगे तो अच्छा लगता है, मेरे बेटे को या मेरे पति को नहीं लगनी चाहिए। इतना ख्याल रखने वाली माँ जब ये रोटी बच्चे को खिलाती है या परिवार को खिलाती है, तो अपने आप उसका भाव उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसी हम जो सर्जन का जो एक काम भगवान ने हम लोगों को दिया है, तो ये भी जिम्मेदारी है कि ये भारत माता भी अपनी माँ है और ये माता के प्रति भी अपना कुछ फर्ज होना चाहिए, और ये फर्ज के नाते हम थोड़ा सा समय अपने आप जो हमें जो एक्टिविटी अच्छी लगे उसके लिए हमें निकालना चाहिए, समाज के प्रति अपना आदर करना चाहिए और स्वच्छंदी नहीं लेकिन सम्मान तरीके से अपने आप को एक प्रूव करने में हम सब लगे हुए हैं। तो इसमें आप सभी को सक्सेस मिले, ऐसी मेरी शुभकामना। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शना बेन जी का, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें नारी सशक्तिकरण के बारे में समझाई, बताई और किस तरह हमें अपने प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहना है, किस तरह हमें अपने जीवन की डोर को स्वयं थाम के चलना है। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने हमारे सामने ये बातों को विस्तृत में व्यक्त किया। अभी समय है आज के इस अवार्ड फंक्शन की शुरुआत करने का, ग्लोबल डिवाइन वुमेन आइकन अवार्ड्स, जिसके सम्माननीय उपस्थिति के लिए आप सभी यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस अवार्ड की शुरुआत करते हुए मैं आदरणीय सविता दीदी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे चीफ गेस्ट
मोस्ट ऑनरेबल जोश दर्शनाबेन जरदोश जी को ये अवार्ड देकर उनका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ राज्योगिनी रीना दीदी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे दर्शनाबेन जी को गिफ्ट और टोली देकर उनका सम्मान करेंगे। तुम आने वाले सतयुग की महारानी, मैं सुनीता दीदी से कहूंगी वो भी गिफ्ट रूप में साड़ी देकर आदरणीय दर्शना बेन जी को सम्मानित करेंगे। आप भी अपनी तालियों के द्वारा इस अवार्ड की शोभा को बढ़ाते जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ हमारे बीच में पधारे एक्स मेयर सूरत अश्मिता बहन शिरोई जी का भी मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका भी अवार्ड देकर उनको भी सम्मानित किया जाए उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए। आप सभी तालियां बजाते रहें और इस शाम को महकाते रहें। अश्मिता बहन जी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित स्पेशल गेस्ट सरला जाजू जी का भी हम आज के इस ग्लोबल डिवाइन वुमेन आइकन अवार्ड के द्वारा सम्मान करेंगे। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी, जन जन का कल्याण। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसकी सराहना में हमें सम्मानित किया जाता है तो आंतरिक खुशी होती है। अभी सरला जाजू जी का भी हम आज के इस आइकन अवार्ड के द्वारा सम्मान करेंगे। आदरणीय सविता दीदी जी रिस्पेक्टेड सरला बहन जी का सम्मान कर रही हैं। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी, जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। जाजू मेरी भाभी है और मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक नारी होती है जो चाहे तो परिवार को ऊंचाई पे ले जा सकती है और चाहे तो परिवार को रसातल पे ले जा सकती है। हमारी भाभी जो है वो ऐसी है कि जिन्होंने जब वो आई थी हमारे परिवार में तब हमारा परिवार बहुत ही साधारण स्थिति में था। जब 1971 में शादी हुई थी उस टाइम हमारी 5 बहनें और 2 भाई शादी होने के लायक थे, सबकी शादी की और हमें महसूस भी नहीं होने दिया और इस तरीके से उन्होंने हमें संभाला अपना और रियल में बोले तो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ अर्थात गृहिणी। और कहते हैं कि ये संपूर्ण समाज संपूर्ण विश्व एक घर ही है और एक घर को संभालने वाली कभी भी साधारण नहीं हो सकती। इस अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय दर्शना बेन जरदोश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय राज्योगिनी सविता दीदी जी हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता में बहुत ही विशिष्ट कार्य किए हैं, तो आज के इस आइकन अवार्ड को उनको समर्पित करके उनका भी हम आज की सभा में सम्मान करना चाहेंगे। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती रहूंगी कि आप अपनी तालियों के द्वारा इस सभा को महकाए रखें, सजाए रखें और अपने सम्मान का आनंद लेते रहें। साथ ही साथ अश्मिता बहन से भी मैं कहूंगी वो साड़ी देकर आदरणीय सविता दीदी जी का सम्मान करें। सविता दीदी जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय राज्योगिनी रीना दीदी जी का भी हम बहुत बहुत आज के इस आइकन अवार्ड के लिए उनको सम्मानित करना चाहते हैं। उनके भी कर्तव्य इस ईश्वरीय मार्ग पर कुछ कम नहीं है। उन्होंने बहुत सारी माताओं बहनों को जीवन जीने का एक नया उमंग दिया है। मैं आज के तीनों ही गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी का थोड़ा सम्मान करेंगे आज के इस अवार्ड के द्वारा। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित मधुबन महायज्ञ से ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर से पधारी डॉक्टर सुनीता दीदी जी का भी हम आज के इस ग्लोबल डिवाइन वुमन आइकन अवार्ड के द्वारा
सम्मान करेंगे आदरणीय दर्शना बहन जी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डॉक्टर सुनीता बहन जी को भी आज के इस अवार्ड के द्वारा सम्मानित करें, साथ ही साथ अश्मिता बहन जी और सरला बहन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी उन्हें गिफ्ट और साड़ी देकर उनका सम्मान करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सिंह में है मोती दर्शन, सभी अवार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच हम आज के इस प्रोग्राम के संकल्प सूत्र को कैसे भूल सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दर्शना बहन जी, बीके संगीता बहन का भी आज के इस अवार्ड आइकन प्रोग्राम में उनका बहुत बहुत सम्मान भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और उनको इस आइकन अवार्ड के द्वारा सम्मानित भी करते हैं। उन्हीं के शुभ संकल्पों का आज ये प्रतिफल हम आप सबकी इस सुंदर सभा के रूप में देख रहे हैं। आप तालियां बजाते रहें, ये सभा सजी रहे, यही हमारी शुभ भावना है, क्योंकि आपका नंबर भी जरूर आना है और हमारे लिए ताली वही बजाएंगे जिनके लिए हम ताली बजाएंगे। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी गेस्ट का, सभी स्टेज गेस्ट जो भी आज हमारे बीच में पधारे हैं। अभी इस अवार्ड संध्या को आगे बढ़ाते हुए मधुबन रेडियो से पधारे रमेश भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के अवार्ड प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुंदर दृश्य है। सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि नीरज साहब की दो लाइनें, चलो कुछ ऐसा करते हैं आदमी को फिर से आदमी बनाया जाए, चलो कुछ ऐसा करते हैं आदमी को फिर से आदमी बनाया जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक और थोड़ा सा स्टेप आगे जाने का दिल हो रहा है, चलो कुछ ऐसा करते हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, जो असंभव है उसे संभव करते हैं, जो असंभव है उसे संभव करते हैं। तो आइए स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सभी अवार्डीज को मैं बुलाना चाहूँगा सम्मान के साथ ग्लोबल डिवाइन ह्यूमन आइकॉन अवार्ड्स सेरेमनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा नीलम कुशाल भाई चौकसी जी को, स्वागत है आपका दिल से। और उनके साथ दीपक खुशाल भाई चौकसी जी भी साथ में आ जाएं। और नीलम जी जो है बहुत ही अच्छा समाज सेवी है, उन्होंने अच्छा अच्छा आइए आइए, शीतल जी आप भी आ जाइए, स्वागत है। दर्शना जी भी आपको बुला रहे हैं, तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए सब परिवार आइए, आप समाज में बहुत सारे सेवाएं करते हैं। और नीलम जी जो है विशेष गवर्नर लॉयंस क्लब के हैं, समाज में उन्होंने काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप कहो, कैंसर पेशेंट के लिए हेल्प कहो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और ये सम्मान उनके इस कार्य के लिए है। शीतल जी जो है विशेष लेडीज विंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल वैश्य फाउंडेशन लेडीज विंग के विशेष कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ आज, उनको सम्मान देखकर हमें खुशी हो रहा है। ओम शांति। आप लोगों को जो अवार्ड्स मिल रहा है वो दीपक भाई चौकसी की तरफ से है, और जो साड़ी है वो अनिल अग्रवाल जी विपुल साड़ीज के जो सीएमडी है उनकी तरफ से मिल रहा है। साथ ही
आश्रम सविता बहन और रीना बहन की तरफ से आपको प्रसाद और छोटी सी बाबा की फ्रेम मिल रही है जो आपको यादगार रहेगी। स्लोगन्स हैं उसमें, आप लोग जरूर रोज एक बार ध्यान से पढ़िएगा उसको। और नारीत्व दर्शन जो सॉन्ग बजने वाला है, ये एक फिल्म थी उसका जो पूरी है, नारीत्व दर्शन की जो सॉन्ग है उसका भी एक आप लोगों को वो रोल मिलने वाला है पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया संगीता बहन। और मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है आराम से पूरी तरह से इस कार्यक्रम को एंजॉय करें, और ऊपर टेरिस पे प्रसाद है आप सभी के लिए, तो प्रसाद अवश्य ग्रहण करके ही आपको जाना है, कोई स्किप नहीं करेगा। और नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आप सभी के लिए मीडिया के लोग बैठे हुए हैं आपका एक इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू लेने के लिए। एक डेढ़ मिनट का आपका जो है एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, तो ये आप भूलिएगा। कहते हैं ना कि किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है तो सबका सहयोग चाहिए। हमारे बीच में डॉक्टर दीपक पटेल भी हैं जिनका भी बहुत सहयोग रहा है इसमें और इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। साथ में हमारे वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी हैं जिन्होंने ऑनररी सर्विसेज अपनी दी हैं, और अपने बैनर जो हमारे बने हैं वो भी ऑनररी बेसिस पे बने हैं। तो हम सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सहयोग दिया ताकि हम इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा करें। और हमारे जो राधेश्याम जाजू जी हैं ईगल ग्रुप के, आपने भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। साथ में रोहित जायसवाल जी हैं आर सेज द टैलेंट्स हट के जो डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और एक्टर मॉडल भी हैं, उनका भी सहयोग इसमें रहा है। अनिल अग्रवाल जी हमारे जो हैं परम साड़ीज़ के जो ओनर हैं, आप ममता जी यहाँ पे बैठी हैं, इन्होंने भी सहयोग दिया है। सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, हमारे दागीना ज्वेलर्स गन्ना जी, आप यहाँ उपस्थित हैं कोई गन्ना जी, गन्ना परिवार से नहीं आए, नहीं पहुँच पाए हैं। और हमारे स्पेस सेप डिज़ाइन स्टूडियो रंजुला बहन और हाँ जी, थैंक यू आप सभी को अपने गुप्त सहयोग के लिए, और भी गुप्त सहयोग सबका मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार हमारे सविता दीदी की ओर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार का एक सैंपल हम सभी यहाँ पर फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बेहतर से बेहतर करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। तो आइए हम लोग बेहतर से बेहतर की तलाश करते हैं। और कहते हैं कि पत्थर से, पत्थर की चोट से शीशा टूट जाता है। तो आइए अब कुछ ऐसा करते हैं, अब कुछ ऐसा करते हैं, शीशे की चोट से पत्थर टूट जाए, पत्थर टूट जाए। जो असंभव है उसे संभव करते हैं, जो असंभव है उसे संभव करते हैं। अवार्ड फंक्शन अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप सभी बैठे हैं वैसे वैसे सब आते जाएंगे। और अभी तक इनका नहीं हुआ, डॉक्टर दीप्ति पटेल, और मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर दीपक भाई जी आप भी आइए स्टेज पे। नंबर 14। इसके बाद 13 नंबर श्रीमती रुक्मणी जाजू, लेट श्री रुक्मणी जाजू जी, उनके बिहाफ पे मैं राधेश्याम जी जाजू को इनवाइट करूंगी कि आप मंच पे आए।
और हमारे जो रुक्मणी जाजू जी हैं जिन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं, और साथ ही अपने नागौर का जो सेंटर चलता है ब्रह्मा कुमारी सेल्फलेस सर्विस जिसको कहते हैं, उसका मिसाल थी वो, और उनका बहुत बड़ा परिवार भी इसमें जुड़ा हुआ है सेल्फलेस सर्विस में। तो राधेश्याम जाजू जी से मैं निवेदन करूंगी और सरला जी से कि रुक्मणी जाजू का लें अवार्ड। आइए राधेश्याम जाजू, राधेश्याम जाजू। अब मैं मिसेज इंदु मोहनलाल जायसवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पे आए। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फॉर इंस्पिरेशन फॉर वीमेन एम्पावरमेंट हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में अपना सहयोग दिया है। आप मिस्टर रोहित जायसवाल की मदर हैं और मैं मिस्टर रोहित जायसवाल से भी निवेदन करूंगी कि आप भी स्टेज पे आएं। संध्या हंसोटी जी, आप भी स्टेज पर आ जाएं। संध्या हंसोटी जी आप स्टेज पे आइए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भावेश हंसोटी जी से कि आप भी यहाँ पे स्टेज पे आएंगे अवार्ड लेने के लिए। संध्या मिसेज इंदु जायसवाल का नंबर 15 नंबर। दक्षा महंत जी रेडी रहे आके। दक्षा महंत जी, राकेश भाई आए हैं, राशेश भाई, दक्षा जी नहीं आए हैं। 18 नंबर किशोर गन्ना जी, दागिना ज्वेलर से कोई आया है? अब 19 नंबर रेडी करना, बाकी दो आए नहीं है इसीलिए। हाँ 17 नहीं आए हैं। 19 नंबर में मिसेस ममता अग्रवाल जी आप आ जाइए, और रवि अग्रवाल जी आए नहीं हैं। इसके बाद 20 नंबर रंजुला जी आप रेडी रहिए, और आपके साथ आपके साथ आंचल जी। आप लोग रेडी रहिए यहाँ पे। उसको नंबर बोलना, दीपक भाई 60 नंबर निकलवाओ, निकलवाओ उसका 60 तब तक। 20 नंबर रंजुला शाह, मैं सभी अवॉर्डीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप राइट साइड से स्टेज पर आएं और लेफ्ट साइड से आप नीचे जाएंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी राइट साइड से आप नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे और लेफ्ट साइड से नीचे जाएंगे। राइट साइड से आइए और लेफ्ट साइड से जाइए। प्रिया लालवानी जी आई है स्टेज के राइट साइड से, आप ऊपर आइए और लेफ्ट साइड से नीचे जाएंगे। प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये जुगनू बहन परिवार है। जुगनू बहन आइए, स्वागत है आपका। मात पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। बहन जी आप भी निकल रहे हैं अभी, इसीलिए हम बीच में ले रहे हैं इनको, वो दर्शना जी के साथ ही जा रही हैं।
इसके बाद डॉक्टर सारिका जी आप रहे। परम पिता शिव बागबान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली। रूहानी रौनक से गुलशन हो, रूहानी रौनक से गुलशन। सरिता मित्तल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे स्टेज पे रेडी रहिए। सरिता अग्रवाल जी, सरिता अग्रवाल जी, वेद प्रकाश भाई जी आप भी स्टेज पे आ जाइए। सरिता अग्रवाल जी 60 नंबर, सरिता अग्रवाल जी। बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे जगत को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे। रेखा भरत पटेल आई हुई है। रेखा भरत पटेल जी सीता तोशनीवाल जी आप स्टेज में आए। जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे सूरत जोन 4 के DCP पन्ना मोमाया जी का, जो हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तिलक चुनरी और ताज के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। आप भी एक बार फिर से जोरदार तालियों के द्वारा आज की इन सभा में उनका स्वागत करेंगे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेड मिसेज पन्ना मोमाया जी, आप सूरत सिटी जोन 4 में DCP के पद पर नियुक्त हैं। आप विमेन सेल एंड क्राइम ब्रांच में अपनी सेवाएं देते हैं। आपके स्वागत में ये चार लाइन कहना चाहूँगी। आपने ही तो इतिहास रचा है, आपने ही तो इतिहास रचा है। बहन आदरणीय DCP बहन जी का सम्मान करते हुए, उन्हें आइकन अवार्ड से सम्मानित करते हुए समाज सेवा के इस क्षेत्र में रहते हुए स्वयं को एक दृढ़ता के रूप में समर्थ समाज के सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम आज के हमारे चीफ गेस्ट दर्शना बहन जी का कि वो हमारे बीच में आए और उन्होंने इतना समय हम सबको दिया। बहुत बहुत थैंक्स। अभी वो हम सबसे विदाई ले रहे हैं। थैंक यू दर्शना बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना अमूल्य समय यहाँ पर देकर हम सभी को गौरव दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नंबर 24 मिसेस सीता तोशनीवाल, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। आइए आइए। के बाद 26 नंबर डॉक्टर सागरिका मेहता, बहुत बहुत सारिका मेहता, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सारिका मेहता नहीं है, उनके बदले में कोई आए हैं। नंबर 27 दूरिया मुस्तफा तापिया जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरिया मुस्तफा तापिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही अच्छे स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपने ट्रक चलाकर एक बहुत बड़ा काम किया है, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है।
हम लाइन से ही जाएंगे, जैसे जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर्स मिले उसी आधार से हम आगे बढ़ेंगे, तो जल्दी भी होगा और जिनको जाना है वो भी जल्दी जा पाएंगे, इसीलिए आप सभी रेडी रहिएगा। आप 28 में है मोना शाह जी, इसके बाद रितु राठी जी आप रेडी रहिएगा। मैं सभी गेस्ट से निवेदन करूंगी कि ऊपर टेरेस पर ब्रह्मा भोजन रखा गया है आप सभी के लिए, कृपया सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके जरूर जाएं। ऊपर टेरेस पर सभी के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया गया है, जो परमात्मा स्मृति में आप सब के लिए बनाया गया है, जिससे तन और मन के रोग दूर होते हैं और हमें परमात्म सानिध्य की अनुभूति होती है। कृपया आप सभी ब्रह्म भोजन जरूर जरूर स्वीकार करके जाएं। सविता बहन, नंबर 29 रितु राठी जी, स्वागत है आपका। नंबर 29 रितु राठी जी, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर सोनल रोचानी, 31 नंबर, स्वागत है आपका। आप शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं और आपने बहुत सारी सेवाएं की हैं, आपका सम्मान करने में हमें खुशी हो रहा है, डॉक्टर सोनल रोशानी जी। नेक्स्ट 32 जयराज कुवरबा सोलंकी जी, जयराज सोलंकी जी स्वागत है आपका। जयराज कुवर जी के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूर्णिमा शाह जी को भी कि आप भी आ जाएं। पूर्णिमा शाह आई हुई है, आइए। जयराज जी का 32 नंबर और इसके बाद 32 के बाद। स्नेहलता भाटिया जी आई है, आप सभी अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इस सभा को सजाए रखें, महकाए रखें। ये आप सबसे हमारा बहुत बहुत हार्टली निवेदन है कि आप सभी इन खुशियों में ये चार चांद लगाते रहें, क्योंकि तालियां ही हैं और जब जब आप तालियां बजाएंगे तो ये एक साइंटिफिक रीजन भी है कि आपका स्वास्थ्य भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, तो इसमें आपको कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप इसी तरह प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें, ऐसी ही हमारी शुभ भावनाएं हैं। तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू योर क्लैपिंग एंड एंजॉय दिस ग्लोबल आइकन अवार्ड्स। सबको फ्लोट करने वाली हूँ, इसीलिए ग्रुप में बने रहिएगा। मेरे पास ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है, जैसे आपको मैं मैसेजेस अब तक करती आई वैसे ही होगा और सभी के प्रोफाइल्स मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगी, ठीक है ना। समय की पाबंदी के कारण हम सबके लिए बोल नहीं पा रहे हैं, पर आप सभी को उन सभी का बायोडाटा मिल ही जाएगा। गीता श्रॉफ जी नहीं आए, 37 गीता श्रॉफ नहीं आए, गीता श्रॉफ जी के लिए। अच्छा, एक मिनट, 36 रेडी रखना। गीता जी कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो उनके बदले में भावना जी उनका ले रहे हैं अवार्ड। बिमला देवी जी आई हैं, साबू बिमला देवी साबू जी नहीं आए,
अनु जी, अनु मुंद्रा जी आइए स्टेज पे। 38 रेडी रखना। अनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सूरत के विशेष टेक्सटाइल ग्रुप के मेंबर हैं, मधुसूदन ग्रुप ऑफ कंपनीज। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सम्मान करने में। और इसके बाद 39 नंबर डॉक्टर रीता बेन। डॉक्टर रीता बेन, डॉक्टर रीता बेन फुलवाला जी नहीं आए हैं फास्ट में। हाँ, और इसके बाद है मंजू मित्तल जी, मंजू मित्तल जी। इसके बाद मिसेस प्रियंका उद्घंट जी, आप रेडी रहिए। मंजू मित्तल जी के बाद प्रियंका उद्घंट जी। मीना मोदी जी 42। सभी के फोटो सेशन के लिए फर्स्ट फ्लोर पर स्टैंडिंग लगाए गए हैं, आप वहां पर अपना फोटो सेशन करा सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पर मीडिया पर्सन भी उपस्थित हैं, आप उनके साथ भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके ही जाएं। मामी जी मीना मोदी जी 42। इसके बाद है डॉक्टर आफरीन जी, डॉक्टर आफरीन जसनानी जी 43। गुंजन खुराना जी, गुंजन खुराना आइए। गुंजन खुराना, डॉक्टर आफरीन जसनानी 43। खुराना 44 नहीं है। यामिनी सुखादिया जी 45 नंबर, यामिनी जी। नजरीन मंसूरी जी 46, 45। नसरीन मंसूरी जी, श्वेता सिंह जी, और आप जो भी बीच में खड़े हैं प्लीज आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी सीट लीजिए। श्वेता सिंह जी 47, श्वेता सिंह जी 48, मनीषा अहिर जी। हाँ, कानन जी आए हैं नहीं, इनके बदले आज कानन जी नहीं आ पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि राजकुमार भाई जी आप आए और कानन जी के बदले में अवार्ड लें। उनके मदर एक्सपायर हुई है इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। तो मनीषा अहिर 48 पहले दे दीजिए, मनीषा अहिर का 48 सुना 48। और इसके बाद कानन जी का, कनक जी का, कनक जी का। संत श्री भट्टाचार्य जी 50 मान। सोनल जैन 51 नंबर, स्वागत है आपका। सोनल जैन जी 51, 52 पूनम गुजरानी जी नहीं आई है। 53 जुगनू मांडवी वाला जी,
श्री जुगनू जी, जुगनू वनिता रावत जी 54 वनिता रावत जी, जुगनू जी नहीं आए हैं, जुगनू जी नहीं आई है ना, डॉक्टर नीता खंडेलवाल जी नहीं है, डॉक्टर अरे सॉरी आशा दवे जी, आशा दवे जी आशा दवे जी आई है 56 नंबर, संगीता संगीता सुखाड़िया जी 58, आशा दवे जी हैं अभी 57, पल्लवी राठौड़ जी 57, पल्लवी राठौड़ जी इसके बाद 58, संगीता सुखाड़िया जी, डॉक्टर मीता पासवाला जी, क्या हुआ, डॉक्टर संगीता सुखाड़िया 58 पहले देना, संगीता सुखाड़िया उनको बुलाने के लिए मैं पास, मीता पासवाला जी जी, हमारे बीच में पधारे सूरत सिटी जोन 4 के DCP आदरणीय पन्ना मोमाया जी, आज के इस सभा के संदर्भ में हमें दो शब्द कहेंगी और नारी समाज की वास्तविक वास्तुकार इस संबंध में मैं उनसे हार्टली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की इस सभा को वो संबोधित करें, आदरणीय पन्ना मोमाया जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनके इस वक्तव्य का स्वागत करेंगे। सभी को नमस्कार, ओम शांति। इंटरनेशनल विमेंस डे के तौर पे आज सभी को मैं अभिवादन करती हूँ और आज यहाँ पे जो इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है ब्रह्मा कुमारीज द्वारा, जिसमें सूरत सिटी की जितनी भी महिलाएं हैं, जो नारी रत्न हम कह सकते हैं, जिनको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ निकाला है, बोलते हैं ना कि खान खुदान में से हीरा ढूंढ के निकाला है, वैसे आप सबको इन्होंने चयन किया है और आप आज आपको यहाँ के बुला के उन्होंने सम्मानित किया है। ये जो सम्मान है ये नारी सम्मान तो है ही, लेकिन आप जो सोसाइटी के लिए पब्लिक के लिए जो कर रही हैं उसके एप्रिसिएशन में आपको सम्मान किया जा रहा है। हमारे पुराने प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में महिला का स्थान इतना ऊंचा था समाज में, और हम सब जानते हैं कि अपाला मैत्री गार्गी ये सब महिलाओं ने ऋग्वेद की और वेद की रचना की थी, तो इतनी समाज में महिला की इज्जत थी और इतनी इंटेलेक्चुअल लेवल पे पर वो इतनी आगे थी। फिर जितने भी आक्रमण हुए भारत पे और फिर सारे सिविलाइजेशंस आते गए, अटैक्ट होता गया और हमारे समाज की परिस्थिति ये हुई कि अब हमको विमेन एम्पावरमेंट के सारे प्रोग्राम्स करने पड़ रहे हैं,
महिला सुरक्षा के लिए हमको कुछ कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, हम सारे सेमिनार्स कर रहे हैं, तो ये स्थिति आज आके खड़ी है। और सरकार ने इतने सारे कायदे भी बनाए महिलाओं के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक के लिए अलग लॉ भी बना हुआ है। महिला अगर आगे आके खुद करना कुछ चाहती है तो उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसको बिजनेस के लिए, उसके खुद के कुछ कामकाज के लिए भी इतनी सारी स्कीम्स हैं सरकार की। और सरकार जो काम कर रही है वैसा ही काम ब्रह्मा कुमारी कर रही है कि जो महिलाओं को आज आपको यहाँ पे जो इकट्ठा किया है, आपका सम्मान किया है, आप जो काम कर रही हैं उसमें आपको प्रोत्साहित किया है, और इनकी खुद की जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम सब जानते हैं। और मैं एक ही बात आज कहना चाहती हूँ कि प्राचीन भारत में जो महिला की स्थान था समाज में, जो उसकी आदर था, वही आदर हमको वापस लाना है, और उसके लिए हम सब कटिबद्ध रहें और समाज में हम वो चेंज लाने का कोशिश करें। कैसे लाएंगे? सरकार ने सारे कायदे बना रखे हैं, सारी स्कीम्स बना रखी हैं, लेकिन जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम सोच नहीं बदलेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 150-200 साल पहले, प्राचीन भारत की बात नहीं कर रही हूँ, 150-200 साल पहले कोई लड़की को पढ़ने भेजता था तो बोलते थे बेटी को नहीं पढ़ा सकते, क्यों पढ़ा रहे हो बेटी को? और आज इतनी सारी नारी रत्न यहाँ पे खड़ी हैं कि जो पढ़ लिख कर आगे आई हैं। तो जो 200 साल पहले की बात थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तब किसी महिला को, छोटी बच्ची को उसके पेरेंट्स स्कूल भेजते हों, और तब कितने पेरेंट्स ने समाज के विरुद्ध जाके भी अपनी बेटी को पढ़ाया था। राजा राममोहन रॉय हैं, उन्होंने जो आज़ादी की हमारी जो मुहिम थी उसके साथ साथ में उन्होंने कन्या केडवनी का भी एक शुरू किया था, और तब से महिलाओं को पढ़ाने का ट्रेंड शुरू हुआ। वैसे ही आज हम जो यहाँ पे संकल्प लेंगे उससे हम समाज में चेंज देख पाएंगे, और चेंज किया है सिर्फ हमारी सोच बदलनी है, नारी की गरिमा और नारी को सम्मान मिले, वही नज़रिए से हमको महिला को देखना है। तू ये नहीं कर सकती, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे को नहीं आएगा, इस सोच में से हमको बाहर आना है। नारी कुछ भी कर सकती है, बस हम सोचना चेंज कर दें और हर महिला को उसकी गरिमापूर्ण स्थान दें, और ऐसा समाज हो कि जहाँ पे हमको महिला की सुरक्षा के लिए और उसके एम्पावरमेंट के लिए कोई सेमिनार ना करना पड़े। थैंक यू वंस अगेन, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट रेस्पेक्टेड DCP पन्ना मोमाया जी का। अभी हम सबके बीच में महिषासुर मर्दानी ग्रुप डांस लेकर आ रही हैं, एमी डांस स्टूडियो की कुमारियाँ। मैं उन सबको स्टेज पर इनवाइट करती हूँ, और सभी डेलीगेट्स से और सभी अवॉर्डीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़े समय के लिए शांतिपूर्वक इस अवॉर्ड फंक्शन का आनंद लें, और इन बच्चों के सुंदर नृत्य को अपनी ज़ोरदार तालियों के द्वारा सराहें। एमी डांस स्टूडियो की कुमारियाँ, नारी शक्ति के आह्वान पर मैं कुछ लाइनें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। नारी शक्ति ही है जिसके एक आह्वान पर सृष्टि चक्र को अपना रुख मोड़ना पड़ जाए। जब जब भरी सभा में नारी के सम्मान को कुचला गया है, जब जब सीता के रूप में उसके विश्वास को रोंदा गया है, तब तब इस समाज ने महाभारत का सामना किया है, तब तब स्वर्णिम महलों का पतन हुआ है। नारी माँ अनुसुईया बनकर त्रिदेव को अपने आंचल में समा सकती है, तो द्रौपदी बनकर दुशासन के लहू से अपने केशों को पखार भी सकती है। रानी पद्मावती बनकर अपने सत के लिए वो जोहर कुंड में सती भी हो सकती है, तो खूब लड़ी मर्दानी बनकर अपनी मातृभूमि के लिए दुश्मनों के शीश काट भी सकती हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो कल्पना चावला बनकर आकाश छू सकती हैं, तो आप ही वो अरुणिमा सिन्हा भी हैं जो अपनी विकलांगता को कुचलते हुए एवरेस्ट को भी फतेह कर सकती हैं। ऐसे ही जोश वाले भाव महिषासुर मर्दानी ग्रुप हमारे बीच में लेकर आ रहा है, हम इनके डांस को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।
कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण मैं कुमारियों से रिक्वेस्ट करूंगी वो थोड़ा साइड हो जाएं, तब तक वो होता है हम आगे के अवार्ड्स को कंटिन्यू करते हैं। आई गिरी नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शीति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जितना जोश इन कुमारियों के डांस में था उतना जोश मुझे आपकी तालियों में नहीं नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी इस सभा में मैं डॉक्टर पारुल वर्गामा जी को स्टेज पर इनवाइट करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप मेडिकल क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाली एक सशक्त महिला हैं और आप बहुत ही निस्वार्थ भावना से हर प्रकार से अपने हर संभव प्रयास से अपने जो भी आपके सामने पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें हील करते हैं और उनके तन के साथ साथ अपने सुंदर वाणी के द्वारा अपने पॉजिटिव अपने वक्तव्य के द्वारा भी आप उनके तन और मन को हील करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस मंच की शोभा बढ़ाएं। तालियों के साथ हम सभी उनका स्वागत करेंगे। आगे के अवार्ड फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए इनवाइट करती हूँ मिसेज एमी पटेल।
जिनके डांस एकेडमी की ये छात्राएं थी वो प्लीज स्टेज पर आएं। साथ ही साथ रिंकू मुनोद सीमा सैलोर जी भी अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर उपस्थित हों। एमी पटेल डायरेक्टर ऑफ एमी पटेल डांस एकेडमी, कोरियोग्राफर, स्टेज आर्टिस्ट, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनर एंड श्री गरबा की स्पेशलिस्ट हैं। रिंकू मुनोद जी को मैं इनवाइट करूंगी वो स्टेज पर आए। 62 नंबर रिंकू मुनोद जी, साथ ही साथ सीमा सैलोत जी 63 नंबर वो भी स्टेज पर आए। आरती ठाकुर 64 नंबर, सीमा सैलोत 63 नंबर सीमा सैलोत जी, 64 नंबर आरती ठाकुर जी प्लीज स्टेज पर आकर अपना अवार्ड स्वीकार करें। 64 नंबर आरती ठाकुर जी। कुछ विशेष कार्य के चलते हम सबके बीच में DCP पन्ना मोमाया जी विदाई ले रही हैं, उनके हम आज की सभा के लिए विदाई देते हैं। लेकिन आपका हम बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं कि आप आज इस सभा में आए और आपने इस सभा की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना मोमाया जी का। बधाई हो, बधाई हो, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू। दीपिका भवसार 65 नंबर आए हैं। 66 नंबर हंसा पटेल, 66 नंबर हंसा पटेल, 67 नंबर प्रज्ञा पटेल, आप दोनों ही स्टेज पर आएँ और अपना अवार्ड लेकर जाएं। 68 नंबर से 70 नंबर तक जो भी अवार्डीज हैं वो प्लीज़ अपना स्थान छोड़कर स्टेज की ओर आएँ। पुष्पा लिंबानी जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सूरत उमियाधाम मंदिर, पुष्पा लिंबानी जी प्लीज स्टेज पर आए। दमयंती भवानी डिप्टी चीफ ऑफ सूरत कच्छ कड़वा पाटीदार महिला समाज, प्लीज स्टेज पर आकर अपना अवार्ड स्वीकार करें। नर्मदा जे सिंघानी 70 नंबर प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड लें। रक्षा पटेल, नंबर रक्षा पटेल प्लीज स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड स्वीकार करें। 72 नंबर पूजा पिचोलिया, 72 नंबर पूजा पिचोलिया, 1 प्लीज सभी ध्यान देंगे, GJ05RF1830 RF1830 स्विफ्ट डिजायर, जिसकी भी गाड़ी है वो ऑन है, जिसकी भी एक गाड़ी है वो ऑन है, प्लीज एक बार नीचे जाके चेक कर लीजिए 1830। 72 नंबर नर्मदा सिंघानी, क्या आप सब हमें उपस्थित हैं? 71 रक्षा पटेल 72 पूजा पिचोलिया, 72 पूजा पिचोलिया। अभी हम सबके बीच में से आदरणीय सरला बहन जी विदाई ले रही हैं, तो आज की सभा से हम उनको विदाई देते हुए उनका हार्टली बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आप इस सभा में आए और आपने इस सभा में आकर इस सभा की रौनक बढ़ाई। सेवेंटी थ्री नंबर शशि कोठारी, क्या आप सभा में उपस्थित हैं? भवानी मयूर गोलवाला 74 नंबर,
74 नंबर भवानी मयूर गोलवाला, आपका हुआ, आपका वोट हुआ। 75 नंबर, 75 डेलीगेट्स, प्रोफेसर अनीता अनामिका तलेसरा। प्रोफेसर अनामिका जी आप स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड स्वीकार कीजिए। 76 नंबर सुचेता सेठ, 76 नंबर सुचेता सेठ। मैं सभी अवार्डी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने नंबर के अकॉर्डिंग अगर पहले से ही अपनी सीट छोड़कर स्टेज की ओर प्रस्थान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 77 नंबर योगिता मेहुल पंचोलिया, योगिता मेहुल पंचोली, 77 नंबर। 78 नंबर मिसेज शालिनी बंसल, मिसेज शालिनी बंसल 78 नंबर। 79 नंबर सुमन सुखानी, 79 नंबर सुमन सुखानी। 80 नंबर रेखा बेन शाह, डेलीगेट्स नंबर 80 रेखा बहन शाह। 81 मिसेज सरला मालू, 81 नंबर मिसेज सरला मालू। हाँ प्लीज आप स्टेज पर आइए, एक मिनट रेखा बेन जी, एक मिनट। योगिता जी के सासू जी उनके मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टेज पे आए। योगिता पंचोली जी की मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट है कि वो भी स्टेज पर उनके साथ इस अवार्ड को स्वीकार करें, क्योंकि जब वो चार मिस कैरेजेस के बाद बहुत ही डीप डिप्रेशन की शिकार हो गई थी तो उन्होंने ही उनको इस डिप्रेशन से बाहर निकाला और आज एक वो सफल वुमन के रूप में सासू जी आए क्या मदर हम सबके सामने हैं। नहीं तो तब तक है ना, आप इनको दे दीजिए, इनकी मदर इन लॉ आती है तब तक रेखा बेन खाकरावाला जी का कर लीजिए। आप बताएं इनको रेखा बेन खाकरावाला के नाम से जानते हैं सब, रेखा बेन शाह के नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे। सरला जी मालू, मिसेज सरला मालू जी, मिसेज सरला मालू जी आप स्टेज पर आए और अपना अवार्ड स्वीकार करें। हेलो, रेखाबेन खाकरावाला थी आपने बधा जाणीए छे, दुकान आगळ निकळे रेखाबेन खाकरावाला, पण आजे आपणे प्रत्येक जण खुशी लिए के आ लेडी एक रेखाबेन खाकरावालानु नाम छे रोशन करू, एमांथी आपणे प्रेरणा लईने आगळ जीवनमां वधीए। अभी योगिता पंचोली जी और उनकी मदर इन लॉ जिन्होंने उनको जीवन जीने की कला सिखाई, उनका दीदी जी सम्मान कर रही हैं और उनको अवार्ड से सम्मानित कर रही हैं। उसके बाद हम इस अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगी 82 नंबर असाधारण फाउंडेशन ग्रुप को, जो इनके साइड से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप को, आस्था कनोड़िया जी और साथ ही साथ अवनी बहन, आप भी स्टेज पर आएं और आकर अपना अवार्ड स्वीकार करें। रितु कासट जी वंडर वेव्स ऑफ वुमन्स ग्रुप से आप आकर अवार्ड स्वीकार करें। उनके साथ साथ पद्मा शारदा बहन आप भी स्टेज पर आकर। एक मिनट, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स हो गए हैं। मंजू मित्तल जी कहाँ हैं? मंजू मित्तल जी, मंजू मित्तल जी है क्या? प्लीज एक्सचेंज ऑफ अवार्ड्स।
रितु कासट जी और पद्मा शारदा जी जो वंडर वेव्स ऑफ वुमन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोनों ही आकर स्टेज पर अपना अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। स्तुति अग्रवाल और नेहा दागा, चेयरपर्सन ऑफ सूरत यूनाइटेड लेडीज सर्कल 183, प्लीज़ आप स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड स्वीकार करें। स्तुति अग्रवाल और उनके साथ नेहा दागा जी, आपका टोकन नंबर 84 है, क्या आप स्टेज पर हैं? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है लाड़ी लोहाना सिंधी महिला मंडल सूरत। इस ग्रुप में से मैं इनवाइट करूंगी गीता तुलसियाना और अंजलि कृष्णानी को। गीता तुलसियाना और अंजलि कृष्णानी स्टेज पर आए और अपना अवार्ड स्वीकार करें। 86 नंबर राजेश्वरी भट्ट, फाउंडर ऑफ बनेगी अपनी बात। बनेगी अपनी बात से इनवाइट करूंगी राजेश्वरी भट्ट और उनके साथ साथ कांता गहलोत जी को। आप दोनों ही स्टेज पर आएं और अपना आज का आइकन अवार्ड स्वीकार करें। 87 नंबर नैन्सी विराडिया। नैन्सी विराडिया 87 नहीं आए, 87 नहीं, निकाल देना साइड। नंबर जलपा ठाकुर, जलपा ठाकुर आप स्टेज पर आए। 88 नंबर आप स्टेज पर आए और अपना अवार्ड स्वीकार करें। सुख मिला साजिदा आपा, साजिदा आपा 89 नंबर। एक मिनट, नहीं तो एक्सचेंज ऑफ अवार्ड्स हो रहा है, इसीलिए एक जाए तब दूसरा बुलाना और बीच में आप कोई भी नहीं लेना, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ अवार्ड्स चार के हो गए, इसीलिए हाँ अभी एक बार इनको बुला के रख लो, बस जब वो हटे तो। ये रिंकू, रिंकू जी है क्या यहाँ पे? रिंकू मुनोट जी है क्या? आप हो? आपने लिया नहीं अभी तक। सीमा सेलोट जी कहाँ है? सीमा सेलोट जी कहाँ है? भी ना पाए पाकर के प्यार प्रभु का, दिल मस्तियों में गाए, या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार संगम युग में यू 89 नंबर साजिदा आपा, 89 नंबर क्या आप यहाँ पर हैं? मधुबन के माली जाजू, श्वेता आनंद जाजू, सुख मिला। श्वेता जी क्या आप इस सभा में हैं? नैना पचीगर 92 नंबर। हमें राजयोगी पावन, नैना जी आई है क्या? नैना जी सुहावन आंगन में मन के बर। डॉक्टर सारिका जी के बदले में आप ले रहे हैं अवार्ड। नैना जी नहीं आए, नेक्स्ट नंबर बोल दो। नैना पचीगर जी, ओके नैना पचीगर जी आप स्टेज पर आकर अपना अवार्ड स्वीकार कीजिए। उसके बाद है 93 नंबर सीमा मेहता, 93 नंबर प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। 94 नंबर बबीता अग्रवाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी स्टेज पर आइए। 93 नंबर सीमा मेहता, 93 नंबर सीमा मेहता, 94 नंबर बबीता अग्रवाल जी। बबीता अग्रवाल जी प्लीज आप दोनों ही स्टेज पर आकर अपना अवार्ड स्वीकार कीजिए। आप में से किसी की गाड़ी की की लॉस हो गई है, GJ057865 स्विफ्ट डिजायर ब्लू कलर, आप स्टेज पे आ जाएं।
वंदना आहूजा, एकता पंपालिया 97 नंबर हेमांती शाह, 97 नंबर हेमांती शाह प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड कलेक्ट करें। जैसा है ये सुख मिला। 98 पूर्वी पालीवाल जी का हो गया। 99 बबीता पालीवाल जी, हो गया उनका भी। 99 नंबर बबीता पालीवाल जी। 100 नंबर निशी अग्रवाल जी, 100 नंबर निशी अग्रवाल जी। 97 हेमंती शाह, 97 और 99 बबीता जी का दे दीजिएगा बाकी। 100 से पहले अगर कोई भी डेडिकेट रह गए हैं तो प्लीज वो स्टेज पर आ जाएं। 100 निशी अग्रवाल, 100 अब 100 बोलो। 100 नंबर निशी अग्रवाल जी। 100 से पहले अगर कोई भी डेडिकेट रह गए हैं तो वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। हंड्रेड वन मंजू विद्या, 101 मंजू वैद्या जी, मंजू वैद्या जी आए हैं क्या? मंजू वैद्या जी, ममता अग्रवाल जी, रुचिका जी, वर्षा त्रिवेदी जी नहीं आए हैं। वर्षा त्रिवेदी जी, हम प्रभु के लाल हैं। 106 नंबर गौरी रिसबुद जी, अभी जितने भी 3-4 गए अपने पास वो सब स्पिरिचुअल हीलर्स हैं और इन्हीं की बदौलत आज अपना ये कार्यक्रम अभी तक भी चल रहा है। और हमारे बीच अस्मिता जी जो कब से बोल रही हैं जाना है जाना है जाना है, पर ये पॉजिटिव एनर्जीज इनको रोके रखी हुई है। हर्षा दीदी जी, आप बचपन से ज्ञान में और पिछले 33 वर्षों से आप अपना समर्पित जीवन ईश्वरीय कार्य में लगाए हुए हैं। रमा कुमारी संध्या दीदी जी भी अपना वर्ड स्वीकार करें, आप भी पिछले 20 सालों से अपना ईश्वरीय कार्य में लगा रहे हैं, आप देवत ब्रांच की निमित्त संचालिका हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी रंजना दीदी जी को, आप स्टेज पर आए और आकर अपना आज का आइकन अवार्ड स्वीकार करें। आप भी राजयोगा टीचर और स्पिरिचुअल ट्रेनर हैं, आप डिंडोली ब्रांच की निमित्त संचालिका हैं और पिछले 17 वर्षों से आप अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में लगा रहे हैं। साथ ही साथ मैं हार्डली इन्वाइट करती हूँ ब्रह्मा कुमारी मीनाक्षी दीदी जी को, आप पिछले 16 वर्षों से अपना समर्पित जीवन इस महायज्ञ में दिए हुए हैं। आप जियाओ ब्रांच की निमित्त संचालिका हैं और आप बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी बी के धर्मिष्ठा बहन जी को, ब्रह्मा कुमारी धर्मिष्ठा बहन जी जो हमारे बीच में ओलपाड़ तालुका से पधारी हैं और आप 17 वर्षों से अपना जीवन आप इस आध्यात्मिकता के प्रकाश को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपने समर्पित किया है। आप एक सीनियर राजयोगा टीचर हैं और स्पिरिचुअल ट्रेनर भी हैं। अभी मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी शिल्पा मेहता जी को, आप स्टेज पर आएं और आकर अपना अवार्ड स्वीकार करें।
नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ मंजू नवाब जी को, ब्रह्मा कुमारी मंजू नवाब। ब्रह्मा कुमारी मंजू नवाब जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे उस परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया जाए, वो शिक्षा हमें उनसे प्राप्त होती है। उसके बाद जया पटेल जी से मैं निवेदन करूंगी। जया पटेल जी, आप दिखने में जितने साधारण हैं, जया पटेल जी आप दीदी से आज का ये आइकन अवार्ड स्वीकार कर रही हैं। आप दिखने में भले ही कितने साधारण हो, परंतु परमात्म यज्ञ में, परमात्म कार्य में आप अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका हम बहुत बहुत आज के इस दिन पर सम्मान करते हैं। साथ ही साथ पुष्पा बत्रा जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी। महेश भाई जी दीदी को वोट ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के संदर्भ में। अभी हम आज के अवार्ड्स कंप्लीट करके फिर उनका संगीता शर्मा मंजू नायक जी से, संगीता शर्मा और मंजू नायक जी प्लीज स्टेज की ओर आएं और अपना अवार्ड स्वीकार करें। अभी डॉक्टर महेश भाई जी अपना वोट ऑफ थैंक्स दीदी जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के संबंध में, वो दीदी को बहुत बहुत थैंक्स कह रहे हैं। संगीता शर्मा, मंजू नायर, संगीता शर्मा जी आप हमारे बीच में आए और अपना अवार्ड स्वीकार करें। उससे पहले मंजू नायक जी आज ये आइकन अवार्ड स्वीकार कर रही हैं। आप बहुत ही नम्रचित और सहज भाव से हर कार्य में परमात्म यज्ञ में सहयोगी हैं और बहुत ही सोशली एक्टिव हैं। आपका जीवन का एक ही आधार है, सादा जीवन उच्च विचार। आप जितनी बड़ी हस्ती हैं उतना ही सादा व्यक्तित्व आपने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। साथ ही साथ ईश्वर भाई भी उनके साथ आज का ये अवार्ड स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में रहते हैं। अभी संगीता शर्मा जी आज का ये आइकन अवार्ड स्वीकार कर रही है। नेक्स्ट है पूनम पटेल जी, संगीता बहन की एक बहुत सुंदर विशेषता है कि जहाँ हमारा संबंधों में मोह होता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही निस्वार्थ भावना से अपने बेटे नवीन भाई को, जो हम सभी जानते हैं, ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित किया है और हर प्रकार से उनके ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी रहे हैं। अभी मैं इनवाइट करती हूँ पूनम पटेल जी को। पूनम पटेल जी प्लीज़ स्टेज पर आएँ, अपना अवार्ड कलेक्ट करें। मधु रंगून वाला जी, मधु रंगून वाला जी, मधु रंगून वाला जी प्लीज़ आप भी स्टेज पर आएँ और आकर अपना अवार्ड। पूनम पटेल जी अपना अवार्ड स्वीकार कर रहे हैं। मधु रंगून वाला जी आप प्लीज स्टेज पर आए और आकर ये ग्लोबल डिवाइन वुमन आइकन अवार्ड एक्सेप्ट करें। प्रतिमा पारेख, प्रतिमा पारेख, ज्योत्सना गोयल, जागृति विश्वानी, ज्योत्सना बहन भाकर, आप सभी भी स्टेज की ओर आए। ज्योत्सना गोयल जी, बोल प्यारे सजन सखारे, सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, नाम मधु रंगून वाला, पतवार बनूंगी
अभी ज्योत्सना गोयल जी अपना वोट स्वीकार कर रही हैं 123 नंबर ज्योत्सना गोयल जी. उससे पहले प्रतिमा पारेख जी 122 नंबर. प्रतिमा पारेख जी 122 नंबर. 124 नंबर जागृति विश्वानी जी. 124 नंबर जागृति विश्वानी जी. आप योगा टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पिछले 20 सालों से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं. रक्षा पटेल यदि सभा में हैं तो वो आकर अपना अवार्ड स्वीकार करें. अभी 125 नंबर जोशना बहन भाकर. 125 दिल से थैंक्स करती हूँ पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से, पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से. जो भी अवॉर्डीज, जो भी डेलीगेट्स आज आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ. आदरणीय सविता दीदी जी और आदरणीय रीना दीदी जी की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. अभी इस प्रोग्राम के समापन से पहले हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और अपने आप को उस पॉजिटिव शक्ति से संचरित करेंगे. अब एक गुरु फोटो के लिए जो भी स्टेज गेस्ट हैं वो प्लीज़